बीएसएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से यहां पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको यहां पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करके भी दिखाऊं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। बीएसएफ की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आपको यहां पर सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आएगा फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने अब से पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर आयकर फॉर्म फिल कर लेना, यानी कहने की बात यह है आपको यहाँ पर केवल केवल इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको उसमें ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है हेड कॉन्स्टेबल, ट्रेडमैन, प्लस आपको यहाँ और कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। आपको जहाँ पर दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर की दौड़ के लिए आपको यहाँ पर 8.5 मिनट का समय भी दिया जाएगा। कितनी यहाँ पर आपके हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मान्यता भी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा वो बीएसएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपका जहाँ पर पे स्केल रहेगा, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी 2100 से लेकर 2900 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया 2100 से लेकर 2900 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहने वाला है। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तब भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको इन डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में उन्हें डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए 80+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपका वेट होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूँ कितनी हाइट पर यहाँ पर कितना वेट आपका होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर दौड़ रहेगी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मेल कैंडिडेट की जो दौड़ होगी 5 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए 8.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होगा, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए 18 से लेकर 23 के बीच में अगर आपकी जाती है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 25 और एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो भी आप इस भर्ती के लिए
ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे, जो काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2021 तक की जाएगी। यानी कि 1 अगस्त को आपके जितना तो 18 से कम हो, नहीं 23 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको इसमें छूट दी गई है, SST वालों को 5 रंग की दी गई है, OBC वालों को आपको यहाँ पर 3 रंग की छूट दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस बढ़ती फिजिकल डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं, जो इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, यानी दौड़ होगी, रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 28 फरवरी तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन भी कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपने अब से पहले सिंपल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी Gmail ID प्लस आपको पासवर्ड फिल करना है और आगे का फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको टॉप पे लिखा मिल जाएगा वेलकम टू BSF पोर्टल, और इसी के सामने लिखा हुआ है आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड हियर, आपको उस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करके जनरेट OTP पर क्लिक करना है और आगे का फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। BSF की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपको यहाँ पर सभी वैकेंसी के बारे में बताया कौन कौन से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, और ये सभी वैकेंसी की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मेंशन की गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जो टोटल वैकेंसी मिलेगी 2,788 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम कांस्टेबल ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 2,651 वैकेंसी होगी, फीमेल के लिए 137 वैकेंसी होगी। टोटल जो वैकेंसी हो जाएगी 2,788 वैकेंसी आपको टोटल दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।